इस वीडियो में हम इक्वलेंट फ्रैक्शंस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे पर इस वीडियो को देखने से पहले आपको वो वीडियो देखना है जिसमें हमने लर्न किया था कि इक्वलेंट फ्रैक्शंस होते क्या हैं और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के दो रूल्स मल्टीप्लिकेशन रूल एंड डिवीजन रूल पहला एग्जाम्पल राइट द फ्रैक्शंस आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्वलेंट इन चार ज्योमेट्रीज में जो ये इस्टेडेड रीजनस है इनको हमें फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखना है पहला पार्ट तो हम पहला पार्ट कर रहे हैं ये होल है कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया टू इक्वल पार्ट्स में तो जो डिनोमिनेटर होगा वो कितना हो जाएगा टू हो जाएगा और कितने पार्ट्स को शेड कर रखा है वन पार्ट को तो ये मेरे पास वन पार्ट हो गया तो जो स्टेडेड रीजन को जो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है वन हाफ सेकेंड जोमेट्री कितने इक्वल पार्ट्स हैं वन टू थ्री फोर सो होल को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है डिनोमिनेटर फोर कितने पार्ट्स को शेड किया गया है टू पार्ट्स को तो so हमारे पास जो फ्रैक्शन आया जो शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है टू फोर्थ्स कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया इस जोमेट्री में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो डिनोमिनेटर सिक्स कितने पार्ट्स को शेड किया गया है थ्री पार्ट्स को न्यूमिरेटर थ्री तो थ्री सिक्स फ्रैक्शन इस शेडेड रीजन को इस जोमेट्री में रिप्रेजेंट कर रहा है कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है होल को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा एट होगा और न्यूमिरेटर वन टू थ्री फोर फोर पार्ट्स को शेड किया गया है फोर्थ तो जो फोर्थ फ्रैक्शन है ये शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट कर सेकेंड पार्ट आर ऑल दीज फ्रैक्शन इक्वेबलेंट जो ये फोर फ्रैक्शन हैं क्या ये इक्वेबलेंट हैं अगर हम ज्योमेट्री को देखें तो हम देख सकते हैं कि ये सारे जो फ्रैक्शन हैं ये होल का कर रहे हैं हाफ पोर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाफ पोर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो so, ज्योमेट्रिकली हम देख सकते हैं कि ये सारे के सारे फ्रैक्शंस क्या इक्वेबलेंट है? हैं इसलिए इक्वेलेंट का क्या लगा लिया साइन लगा लिया। ऑल्टरनेटली हम देख सकते हैं कि अगर हम वन हाफ फ्रैक्शन के न्यूमीरेटर को टू से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करें टू से मल्टीप्लाई करें तो टू वन जा टू 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 जा फोर्थ तो हमारे पास टू फोर्थ फ्रैक्शन आ रहा है और हम जानते हैं अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो नया फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है पहले फ्रैक्शन का क्या होता है इक्वेलेंट होता है सिमिलरली अगर हम वन को किस से मल्टीप्लाई करें थ्री से मल्टीप्लाई करें और जो डिनोमिनेटर है उसको भी किससे मल्टीप्लाई करें थ्री से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आ रहा है वो क्या है थ्री सिक्स फ्रैक्शन अगेन इक्वेलेंट अगर हम वन हाफ़ फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर को फोर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन आ जाएगा फोर एट्स फ्रैक्शन आ जाएगा सो मल्टीप्लीकेशन रूल्स से भी हम ये प्रूव कर पाए हैं कि ये चारों फ्रैक्शन आपस में क्या है इक्वलेंट फ्रैक्शन हैं इस एग्जाम्पल का जो बी पार्ट है वो आपको अपने आप से करना है ओके okay? और आपके आंसर को आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना आंसर सेंड करना है सेकेंड एग्जाम्पल रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाई द करेक्ट नंबर जो ये बॉक्स दे रखा है इसको हमें एक करेक्ट नंबर से क्या करना है रिप्लेस करना है इक्वेलिटी का साइन है ए पार्ट ले रहे हैं इक्वेलिटी का साइन है इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेलेंट सो टू सेवन इज इक्वेलेंट टू एट बॉक्स तो बॉक्स की वैल्यू क्या होगी तो टू से एट कैसे आएगा एट तो बड़ा नंबर है टू के मुकाबले तो मल्टीप्लाई करके आएगा अगर हम टू को फोर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा एट आ जाएगा और क्योंकि ये दो फ्रैक्शंस इक्वल फ्रैक्शंस हैं इसलिए न्यू डिनोमिनेटर को भी हमें किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो सेवन फोर्जा कितना हो जाएगा ट्वेंटी एट तो ए पार्ट में जो बॉक्स की वैल्यू है वो क्या होगी ट्वेंटी एट डी पार्ट देखते हैं फोर्टी फाइव सिक्सटी इक्वे वाल टू फिफ्टीन बॉक्स फोर्टी फाइव से फिफ्टीन कैसे आएगा जाहिर सी बात है डिविजन करके आएगा क्योंकि फिफ्टीन छोटा नंबर है फोर्टी फाइव से तो फोर्टी फाइव से फिफ्टीन कैसे आएगा किससे डिवाइड करके थ्री से डिवाइड करके और क्योंकि ये दो फ्रैक्शन इक्वेलेंट फ्रैक्शन है तो हमें सिक्सटी को भी किस से डिवाइड करना पड़ेगा थ्री से डिवाइड करना पड़ेगा तो सिक्सटी को थ्री से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ट्वेंटी तो डी पार्ट में जो बॉक्स की वैल्यू है वो कितनी है ट्वेंटी है बी पार्ट सी पार्ट ई पार्ट आपको होमवर्क के लिए छोड़ा गया है आप अपने आंसर्स को वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप लिखेंगे एग्जाम्पल टू और उसके बाद पार्ट लिख के अपना आंसर लिखेंगे एग्जाम्पल थ्री फाइंड द इक्वेबलेंट फ्रैक्शन ऑफ थ्री फिप्थ हमें थ्री फिप्थ फ्रैक्शन का इक्वेबलेंट फ्रैक्शन निकालना है ए पार्ट डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए उस फ्रैक्शन का ट्वेंटी सो थ्री फिप्थ इक्वलेंट टू वो फ्रैक्शन इसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए ट्वेंटी ओके सो से ट्वेंटी कैसे करके आएगा अगर हम फाइव को किस से मल्टीप्लाई करें फोर से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमिरेटर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए न्यूमिरेटर को भी हमें किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो थ्री फोर जा फ्रैक्शन होगा थ्री फिफ्स का ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर ट्वेंटी है कौन सा फ्रैक्शन होगा ट्वेल्व ट्वेंटी एट्स थ्री का बी पार्ट आपको होमवर्क के लिए छोड़ा है आप अपना आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देंगे एग्जाम्पल फोर चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन ए बी सी डी पार्ट्स में हमें दो फ्रैक्शन दे रखे हैं हमें चेक करना है कि वो फ्रैक्शन इक्वलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है पहला पार्ट लेते हैं फाइव नाइन्स पहला फ्रैक्शन और दूसरा और दूसरा फ्रैक्शन क्या है थर्टी फिफ्टी फोर्थ्स फाइव से थर्टी कैसे आएगा फोर से मल्टीप्लाई सिक्स से मल्टीप्लाई करके फाइव सिक्स या थर्टी सो अगर ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है तो नाइन को अगर हम सिक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए फिफ्टी फोर नाइन सिक्स या फिफ्टी फोर तो जो हमने फाइव नाइन्स फ्रैक्शन था उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर सिक्स से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फ्रैक्शन थर्टी फिफ्टी फोर्थ आया है इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ऑल्टरनेट मेथड, सेकेंड मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमारे पास फ्रैक्शन फाइव नाइन्स दूसरा फ्रैक्शन थर्टी फिफ्टी फोर्थ हमने दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को पहले फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया फाइव इंटू फिफ्टी फोर कितना आया फाइव फोर जा ट्वेंटी फाइव फिफ्ट ज़ा ट्वेंटी फाइव प्लस टू ट्वेंटी सेवन और फिर पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से क्या किया मल्टीप्लाई किया सो नाइन मल्टीप्लाइड बाई थर्टी ये भी कितना आ गया टू सेवेंटी क्योंकि ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वैल्यूज हैं ये इक्वल हैं इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शंस क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। बी पार्ट थ्री से ट्वेल्व कैसे आएगा फोर से मल्टीप्लाई करके पर अगर हम टेन को फोर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा फोर्टी जबकि ट्वेल्व इसका डिनोमिनेटर कितना है फिफ्टी है सो इसलिए ये जो दो फ्रैक्शंस हैं ये इक्वे फ्रैक्शंस नहीं है आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से भी देख सकते हैं थ्री इंटू फिफ्टी कितना हो रहा है वन फिफ्टी एंड टेन इंटू वन ट्वेल्व कितना हो रहा है वन ट्वेंटी और ये जो वैल क्रॉस मल्टीप्लाइड वैल्यूज हैं ये इक्वल नहीं है तो ये दोनों फ्रैक्शंस क्या है इक्वे फ्रैक्शंस नहीं है पार्ट सी एंड पार्ट डी एग्जाम्पल फोर का सी एंड डी आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ा है आपको अपने आंसर्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सेंड करने हैं थैंक यू